तो दोस्तों मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिन्होंने अपने हाथ से कलाकृतियाँ बनाए हैं, मिस्टर प्रतीक्षा। तो मिस्टर प्रतीक्षा जी, आप सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी सलके बाल मुक्ता फळांची जय देव जय देव। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ गणेश फेस्टिवल की। तो दोस्तों 31 तारीख से गणेश फेस्टिवल स्टार्ट होने जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको आज अपने इस वीडियो में एक चीज़ बताना चाहता था। मैं वर्कआउट करने जा रहा था, मेरे घर के पास में मैंने देखा इतने अच्छे अच्छे गणेश की कलाकृति, इतनी अच्छी अच्छी आर्ट्स बने हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों से शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ शॉप ओनर से, जिन्होंने अपने हाथों से इतनी अच्छी कलाकृति तैयार की है। तो ये मिस्टर प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आप क्या बताना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? हाय, नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक है। मैं पिछले 10 साल से गणपति मूर्ति का मेरा बिजनेस है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो वर्किंग जो है गणपति मूर्ति का, ये जो हम लोग ने पगड़ी पहनाया है, जो दोतर का वर्किंग है, ये सब हमारे ये अपना हमारे खुद के कारखाने में वर्किंग होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में गणपति का ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्राउडेड है हमारा है। और दूसरी बात है ऐसे कि ऑफिशियल के लिए भी हमारा गणपति जाता है, ऑफिसेस के लिए बोलो, और जो भी घरगुती गणपति हमारा ज़्यादा क्राउडेड है। तो दोस्तों जो ये गणेश मैंने आपको बताया, आप देख सकते हो कितने अच्छी कलाकृतियाँ है हमारे इंडिया के इतिहास में। अभी भी ये सब कलाकृति बरकरार है। और आई होप आपको ये गणेश जी के जो मूर्तियाँ हैं उनके दर्शन आपको मिले होंगे और आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों अगर आपको गणेश ये एक्चुअली ऑफिशियली ऑफिसेस के लिए और घर के लिए ये गणेश जी की मूर्तियाँ बनाते हैं, अगर आपको इनसे कॉन्टेक्ट करना होगा तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप इनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आने वाले और भी वीडियोस मैं गणपति के रिलेटेड में आपको अच्छे से अच्छे मुंबई में जो गणपति यहाँ पर बैठते हैं उनकी आरती कैसी होती है, गणपति के रिलेटेड में जितने भी वीडियोस आएंगे मैं आपको मेरे चैनल पे ज़रूर बताऊँगा। तो गाइस, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गणपति बप्पा बोल गया।